हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे मंजारी गांव में पंजाब और हिमाचल पुलिस का नशाखोरी के खिलाफ एक बड़ा साझा अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जहां पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, वहीं पर मंजारी खड्ड से पुलिस ने चार चलती भट्टियां शराब और लगभग 25 ड्रम लहान के कच्ची शराब के बरामद किए हैं और मौके पर नष्ट कर दिए। ये साझा अभियान हिमाचल प्रदेश पुलिस बिलासपुर और पंजाब पुलिस रोपड़ ने किया और नैना देवी के डीएसपी मनोहर लाल और पंजाब आनंदपुर साहिब के डीएसपी रमिंदर सिंह की अगुवाई में किया गया, जिसमें लगभग 30 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। हिमाचल और पंजाब पुलिस के द्वारा किए गए साझे अभियान से हिमाचल पंजाब सीमा पर नशाखोरों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने नशे का व्यापार करने वाले करीब 5 घरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान टीम को कोई भी मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति इंद्रजीत सिंह पुत्र दिलावर सिंह निवासी मंजारी को किसी अन्य घर के शौचालय में छुपा बैठा था को दबोच लिया और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने मंजारी खड्ड के किनारे अवैध शराब के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू की। इस दौरान पुलिस को आते देख कच्ची लाहन बनाने वाले व्यक्ति भागने में कामयाब हुए, लेकिन पुलिस ने चार भट्टियों से करीब 25 ड्रम कच्ची लाहन को नष्ट कर दिया है। डीएसपी नैना देवी मनोहर लाल ने बताया कि अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि कच्ची शराब निकालने वालों को मौके पर ही भट्टियों संग रंगे हाथों पकड़ा जाए। उन्होंने जनता से पुलिस की सहायता करने की अपील की है ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है, जो इन समितियों का सदस्य बनना चाहते हैं तो पुलिस उनका स्वागत करेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि नशे का कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस को दें ताकि समाज से इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। आज बिलासपुर पुलिस और रोपड़ पुलिस ने एक मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमारे एसडीपीओ नैना देवी और उनकी तरफ से एसडीपीओ रोपड़ ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे और लगभग 30 पुलिस पर्सनल रोपड़ पुलिस से थे और इतनी ही संख्या में और इससे ज्यादा हमारे जिला बिलासपुर की पुलिस से लोग थे। इसमें हमने बटालियन के जो जवान हैं उनकी भी मदद ली और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। जो मजारी विलेज में पुलिस ने 20-25 ड्रम जो लाहन है कच्ची शराब है उसको नष्ट किया। लगभग 5000 लीटर शराब जो है मौके पर ही नष्ट की गई। इसके अलावा चार जो वहां उस वक्त भट्टियां चल रही थी वो भी नष्ट की गई। अभियान के दौरान विभिन्न स्थलों की तलाशी ली, लेकिन कोई मादक पदार्थ सामने नहीं आया, क्योंकि मेला नैना देवी का अभी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। पुलिस एहतियात के तौर पर ये सारी ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगी। रोपड़ पुलिस और हमारी बिलासपुर पुलिस का जो ये संयुक्त अभियान है, ये न केवल एक पर्टिकुलर विलेज में ही रहेगा, बाकी सराउंडिंग एरियाज में भी हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे।